वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 582 पे फ्राइडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था। तकरीबन क्वार्टर के नंबर्स भी क्वार्टर वन के नंबर्स भी सामने आ चुके थे, और नंबर्स के ऊपर भी ध्यान डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटली नंबर्स देखे जाए तो देख सकते हैं फ्राइडे के दिन 1% की गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ का है, पी रेशियो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बुक वैल्यू भी देख सकते हो 279 का है। डिविडेंड भी देता है, 3% तक डिविडेंड यील्ड भी है। आरओसी है 28% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 37% का, फेस वैल्यू ₹1 का है। तो कंपनी के ऊपर टोटल लोन जो है 72,208 करोड़ का टोटल लोन है कंपनी के ऊपर, और नेट प्रॉफिट जो है 15,599 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। ईपीएस भी देख सकते हैं 64.5 का है रुपीज़ का, और सेल्स जो है 1,55,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिले थे। तो देखा जाए तो देख सकते कि प्रोमोटो होल्डिंग भी देख सकते 45% की है, मिड एस्टिमेट साइज है, और टोटल एसेट जो है 1,96,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिले। तो देखा जाए रिटर्न हो वन या तो एक साल में 18% से ज़्यादा गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तो क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जून का क्वार्टर के नंबर्स है वो लास्ट वाले कॉलम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में है तो जून 2022 के नंबर्स। सेल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर से कम देखने को मिले थे, पर पिछले साल के क्वार्टर से अच्छे सेल्स देखने को मिले हैं, यानी कि 38,000 के सेल्स थे, और एक्सपेंसेस जो है वो 33,000 करोड़ के ऊपर थे। तो जून 2021 में देख सकते कि सेल्स कम होने के बावजूद एक्सपेंसेस कम थे, और उसी की वजह से देख सकते कि प्रॉफिट जो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 करोड़ के ऊपर, और रिसेंटली देख सकते 4,292 करोड़ के ऊपर। आधा इनकम देख सकते कि 189 करोड़ की बहुत ही कम थी, और तकरीबन देखा जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट की भी बात की जाए डिप्रिसिएशन कटने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स था वो भी यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन 1,281 करोड़ का था, यानी टैक्स कटने के बाद 838 करोड़। बहुत सा यहाँ पे लॉस कंपनी को खाना पड़ा है तकरीबन जून 2022 के में, यही सब पिछले साल क्वार्टर में देखा जाए तो देख सकते हैं तकरीबन 5,900 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस साल सिर्फ 838 करोड़ का, यानी कि गिरावट प्रॉफिट में बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक के लिए।